हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस में। वर्सी सर, मैं आपका हाजिर हूँ आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स के बेस्ट को देने के लिए, जिसमें जो हमारे जितने भी हमारे रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स मैं आपको आज से बताना भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस में प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा वीडियो, अगर आपको लाइव क्लास देखनी है तो जूम ऐप पे मैं आपको हाजिर हूँ, आपको यहाँ लाइव क्लास मिल जाएगी, या आपको जियो मीट पे भी आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। यानी अगर आपको डिटेल पढ़ना है, मेरी डिटेल स्टडी करनी है मेरी क्लास की, चाहे वोकैब की, चाहे लैंग्वेज की, चाहे पैसेज कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट की, तो आप मेरा जूम ऐप एंड जियो मीट पे आप मुझे मिल सकते हैं। मॉर्निंग की क्लास जो गर्ल्स की है वो 8 to 10 है और बॉयज़ की जो क्लास है वो 4 to 7 है, ठीक है। ये सारी बैच स्टार्ट है, चल भी रही है। आप चाहें, अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको दे दूंगा क्या नाम है इसका जो भी पासवर्ड है, तो आई विल गिव यू द पासवर्ड ऑफ जूम ऐप एंड जियो मीट। प्लीज़ एंड प्लीज़ कॉल मी, आई विल गिव यू द पासवर्ड फॉर जूम ऐप एंड जियो मीट। आज मैं आपकी क्लास देने जा रहा हूँ, जो हमारी क्लास है उसमें बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ के बीच क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज ऑफ एंड बिकॉज। ओके, बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ में क्या फर्क है ये देखिए। तो जो बिकॉज है ना, ये कंजंक्शन है। अगर बिकॉज ये कंजंक्शन है तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो आज जान लीजिए कि कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, ये मैंडेटरी है। किसी भी कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो रॉन्ग है। ओके, कंजंक्शन ऑलवेज डिमांड सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब आएगा। तो ये कौन सा कंजंक्शन है, तो बिकॉज जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो रीजन की बात करता है। ये किसकी बात करता है, रीजन की बात करता है। अब रीजन का क्या मतलब हुआ, जैसे एक्सीडेंट होने का रीजन, फेल होने का रीजन, ठीक है, अनसक्सेस होने का रीजन, लेट होने का रीजन, तो रीजन की बात करता है बिकॉज। दूसरी मैं बात बताऊं, बिकॉज ऑफ ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल ये फ्रेज है। अब अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अगर आप चाहिए डिटेल स्टडी करना प्रीपोजिशनल फ्रेज की या कंजंक्शन की, तो मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा लाइव जो क्लास जियो मीट पे या जूम ऐप पे आप देख सकते हैं। आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ ऑल क्लास लाइव। तो ये बिकॉज ऑफ क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, अकेला बिकॉज कंजंक्शन है, लेकिन ऑफ आ गया तो प्रीपोजिशन दोनों मिल करके अब क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ये कंजंक्शन था, ये प्रीपोजिशन था, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से मिल गए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। जैसे इन स्पाइट ऑफ होता है, इंस्टेड ऑफ होता है, फंड ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ होता है, ये हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं उनके बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आता है, वो भी ये नाउन और प्रोनाउन जो होना चाहिए ना वो ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ हर, या बिकॉज ऑफ वोसी, बिकॉज ऑफ अनिल, बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ द बॉयज, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर वर्ब आएगा ना तो वर्ब का ये आईएनजी फॉर्म आएगा, जिसे एक नाम दिया गया है जेरंड, जिसे एक नाम जेरंड भी दिया गया, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो वो जो नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए ना वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और अगर वो वर्ब होगा ना तो वो वर्ब आईएनजी में होना चाहिए। तो जो वर्ब आईएनजी में होगा वो जेरंड हो जाएगा, यानी बिकॉज ऑफ प्लेइंग, बिकॉज ऑफ रनिंग, बिकॉज ऑफ स्लीपिंग। अच्छा, ये जो बिकॉज ऑफ है ये भी रीजन की बात करता है। दोनों में ये कॉमन क्या है, सिमिलर क्या है, ये दोनों रीजन की बात करते हैं, ठीक है। सोने के कारण बिकॉज ऑफ स्लीपिंग, लेट तक सोने के कारण बिकॉज ऑफ स्लीपिंग लेट, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है यहाँ पे कि ही कुड नॉट गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ
ही वॉज केयरलेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ ही वॉज केयरलेस। तो अब देखिए क्या मिस्टेक यहां हो गया, तो मिस्टेक यहां हो गया कि ये देखिए ही क्या है, ये सब्जेक्ट है और वॉज क्या है, ये वर्ब है। अब ये क्या फॉर्मेट डिमांड करता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले क्या आना चाहिए, कंजंक्शन आना चाहिए। अब आप अपने से पूछिए कि क्या ये कंजंक्शन है, नहीं ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब आया है तो ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और यहाँ रहना क्या चाहिए, कंजंक्शन। तो बिकॉज आपको काट करके यहाँ क्या कर देंगे, आप यहाँ पे बिकॉज रख देंगे, राइट, क्लियर हो गया होगा, यहाँ बिकॉज रख देंगे। क्योंकि अब देखिए बिकॉज कंजंक्शन हो गया, यानी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, जिसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया। किसी भी कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, ठीक है ना। दूसरा एक और एग्जांपल देखिए, एक और देखिए, जैसे लिखा है कि ही कुड नॉट कैच द ट्रेन बिकॉज ऑफ ही रीच्ड द स्टेशन लेट, ठीक है। तो अब ऐसे हालत में फिर वही गलत हो गया, ही क्या है, सब्जेक्ट है, रीच्ड क्या है, ये वर्ब है। तो जब यहां सब्जेक्ट वर्ब हो गया तो इस बिकॉज आपको काट के यहां क्या कर देंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। दो एग्जाम्पल से शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ये चीज दिमाग में रखिएगा। दूसरा देखिए, एक और बताऊं, अब बिकॉज आपका एग्जाम्पल देखिए कैसे, तो बिकॉज आपका एग्जाम्पल यहां देखिए, जैसे लिखा है यहां पर कि ही कुड नॉट कैच द ट्रेन बिकॉज बींग लेट। अब यहां पे क्या गलत हो गया, तो बींग क्या हो गया, ये आपका जेरेंड है जिसे वर्ब भी कहा गया है। तो ये वर्ब का एनजी, बी का सेकंड फॉर्म जो होता है, बी का एनजी फॉर्म बींग होता है। तो अगर ये एनजी फॉर्म बींग हो गया तो ऐसे हालात में इस बिकॉज को काट के यहां क्या कर देंगे, बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे। बच्चे याद रखिएगा, जो भी प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब का एनजी फॉर्म आता है, ठीक है। अब जैसे लिखा है कि बिकॉज, अब यहां आ जाएगा स्लीपिंग, स्लीपिंग अब यहां पे लेट, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट ही मिस्ड द क्लास टुडे। अब यहां देखिए क्या है, स्लीपिंग क्या है, वर्ब है, ये वर्ब का क्या है, एनजी फॉर्म है। तो बिकॉज को काट के यहां क्या कर देंगे, बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे, क्योंकि ग्रामर का रूल ये कहता है कि बिकॉज आपके बाद हमेशा जेरंड या वर्ब का एनजी फॉर्म आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद हमेशा वर्ब का एनजी फॉर्म आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रूल है। अच्छा एक बात और बच्चे, कि बिकॉज शुरू में भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ भी स्टार्ट में आ सकता है, और बिकॉज भी शुरू में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक और मैं आपको देता हूं, जैसे लिखा है कि बिकॉज ऑफ ही वॉज लेजी ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। तो अब यहां देखेंगे, पहली बात तो गलत क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। तो जब यहां सब्जेक्ट वर्ब आएगा तो बिकॉज आपको काट करके बिकॉज का यूज करेंगे, ठीक है ना। और एक बात और मैं बता दूं कि बिकॉज के साथ कभी कभी कॉम्पिटिशन में यहाँ सो का मिस्टेक देता है, तो याद रखिएगा वहां सो कभी ना लगाइएगा, यहाँ पे पंक्चुएशन कॉमा का यूज करिएगा। सो भी देता है, हेंस भी देता है, देयरफॉर भी देता है, तो ये चीज वहां पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या गलत था, सब्जेक्ट वर्ब आ जाने की वजह से बिकॉज आपको काट करके बिकॉज का यूज करेंगे। ये छोटा छोटा हमारा आपका तरीका है जो मैं आपको बताता रहूंगा, जो हमारे कॉम्पिटिशन में एग्जाम ओरिएंटेड 100% होगा। सो इस तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए, प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरा जो चैनल केटी कैंपस, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिले। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इनसे रिलेटेड डिटेल क्लास मेरी करनी है, तो जूम ऐप एंड जियो मीट पे मैं अवेलेबल हूँ फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8। आप मुझे कॉल करिए, पर्सनली मेरा ये नंबर, इस पर कॉल करिए, मैं आपको आई विल गिव यू द पासवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।